स्विस्टोनिक टेस्टनेट का 4, 5, 6 टक्स, 1, 2, 3 टक्स मैंने ऑलरेडी दिया था, कुछ लोगों का वेरीफाई भी हो गया और जिसका नहीं भी हुआ है डिस्कॉर्ड में उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर सबका वेरीफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सबमिशन है और वो एक एक मैनुअली करके वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैंने दिया था पार्ट वन, जिसने नहीं किया पहले पार्ट वन कर लो, डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिल जाएगा पार्ट वन का। तो आप सबका एरर क्या रहा ना, प्राइवेट की डालने के बाद उनका आगे नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे में ऐसा एरर नहीं आया था। तो मेरा देखिए अपना मेन अकाउंट, उसमें सारा 1, 2, 3 टास्क अब तक वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन 4, 5, 6 टास्क में से 4 वेरीफाई नहीं हुआ है, 4 का एक वेरीफाई हुआ सिर्फ, और 5, 6 कंप्लीट हो चुका है। और मेरे पास अभी स्विस्टोनिक का स्कोर कितना है, 201। देखेंगे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको मेन अकाउंट में तो मैं कर चुका हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए मैं और एक अकाउंट रेडी कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ गिटपॉट रेडी कर दिया है, स्विस्टोनिक अकाउंट है। तो हम यहाँ पर इसका 1, 2, 3 टास्क करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने करके दिखा था इसका डायरेक्ट 4, 5, 6 टास्क लाइन बाय लाइन में करके दिखाऊँ, और सारा कमांड भी मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। हम सिर्फ एक कमांड की जरूरत बनेगी। तो फीचर रनिंग भाई ने जो बढ़ दिया था वीडियो में दिया था, तो उन्होंने 2 कमांड कहा था, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ, 1 कमांड कर दिया हूँ। तो इसमें देखते हैं आपका कहाँ प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है, लाइन बाय लाइन करके देखाऊँ। वैसे ही लाइन बाय लाइन करना, थोड़ा बहुत मैंने कोड में भी चेंजेस किया है, तो मैं अलग दे दूँगा ये सब। तो थोड़ा मैंने सोल्यूशन निकाल कर चेंजेस वगैरह किया है डिस्कॉर्ड में सोल्यूशन से बातचीत करके टीम में, उनके टीम के साथ। तो जिसका स्कूल ये वीडियो देखता रहेगा लाइन बाय लाइन करोगे शायद आपका एरर सॉल्व हो जाए। मेरा तो कोई एरर नहीं आया, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपना, पहले मैं ये ओपन कर देता हूँ, जॉइन ओपन डैशबोर्ड। सबसे पहले मैं यहाँ लॉग इन कर देता हूँ स्विस्टोनिक का, क्योंकि यहाँ अपना पूरा ब्रांड न्यू अकाउंट देखिए, वॉलेट भी कनेक्ट मान रहा है, तो मैं वॉलेट कनेक्ट करता हूँ। ये वॉलेट मेरा वॉलेट डेस्कटॉप, सिर्फ मैं बताने के लिए वॉलेट बना रहा हूँ, इसमें आगे वर्क नहीं करूँगा। तो मैं अपना प्राइवेट की वगैरह कुछ भी हाइड करने का ज़रूरत नहीं है मुझे। तो लाइन बाय लाइन करेंगे, 1, 2, 3 टास्क करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके दिखा था 4 टास्क। अपना आप पढ़ लेना, क्योंकि टास्क भी इस तरफ उतरफ हो गया, तो आप देख लेना 4 टास्क आपका मीन टैप VARC20 टोकन होना चाहिए। अगर ये कहीं पर 5 में चला गया है आपका, या फिर एक दो जो कंप्लीट होता है ना लाइन वाले, नहीं ये आपका एक दो को यह चलाया है, तो आप पढ़ के करना। ये 4 मतलब 4 ही रहेगा, और 4 का ही आपको कोड वगैरह सब यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपका ये चला गया 5 को, तो आप 5 का कोड वगैरह डाल देंगे इसमें, तो गलत हो जाएगा। तो 4 का ही कोड डालना है। तो मैं यहाँ पर जो लिख के दूंगा ना अपना टेलीग्राम पर कोड, टास्क 4 का कोड, ये 4 का कोड ही 4 के इसमें डालना है, चाहे आपका जितने नंबर में हो। बस यहाँ पर आप यहाँ पर टाइटल पढ़ लीजिए उसका, मिंट प्रेव 20 टोकन। तो ये जहाँ पर भी रहेगा उसको 4 का कोड ही डालना है, देख समझ के करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने गिटहब पर चले आते हैं और योर प्रोफाइल पर चले जाएंगे, योर रिपोजिटरीज में चले जाएंगे। योर रिपोजिटरीज में जाने के बाद मैं न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपना नाम देता हूँ, सिंपल सा आप भी सेम देना, मैं जैसे दे रहा हूँ, कोई गड़बड़ ना हो। तो मैं सिंपल सा नाम दे रहा हूँ ए, तो ए मैंने नाम दे दिया, कैप्स लॉक मैं स्मॉल देता हूँ, ए मैंने नाम दे दिया। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या करना है याद से, वरना आपका गलत हो जाएगा, ऐड रेडमी फाइल पर यहाँ पर टिक लगाना है। ऐड रेडमी फाइल दिख रहा है, तो ये ऐड रेडमी फाइल जो है यहाँ पर आपको टिक लगाना है, देख लो ऐड रेडमी फाइल, ये जो ऐड रेडमी फाइल है यहाँ पर आपको टिक लगाना है। टिक लगा दिया, टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट रेसिपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा फाइल। तो इस फाइल क्रिएट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्ट कोड को कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी कर लिया, कोड को कॉपी कर लेने के बाद में आपको चले जाना है व्हाट्सअप पर, और यहाँ पर सर्च पर डाल देना है कोड। कोड डालने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट कर लेने के बाद में कंटिन्यू। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, फोर नंबर का कोड आपका ये टास्क जितने पर भी रहे कोड यही होना चाहिए, टाइटल देख के करना। देखिए कोड मैंने कॉपी किया 4 नंबर का, और एक न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ उसको। 4 नंबर का कोड कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन कर दिया, देखिए एक ऐसा ओपन हो चुका है। ये अभी ऐसे ही रहने देना है, अब आपको वेट करना है इधर ओपन होने का टर्मिनल। तो टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। टर्मिनल ओपन होने के बाद में सबसे पहले आपको दिख रहा है न्यू फाइल, एक है न्यू फोल्डर, एक है न्यू फाइल। आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना है। अगर आप न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा सेकंड वाला। तो न्यू फाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर नाम आपको सेम देना है जो आपने दिया था ए, उसके साथ डॉट लगाना है और SH लगाकर एंटर कर देना है। तो आपका एक ऐसा फाइल बन जाएगा, और यहाँ पर एक लग के आगे यहाँ पर एक देखिए ठीक से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपका ये बना हुआ है ब्रैकेट, मतलब आपका जो स्पेस बना हुआ है यहाँ पर आप उसको याद करना, अपना कोड पेस्ट करना है। तो कोड को अच्छे से कॉपी करना है, यही गलत हो जाएगा। कोड देख रहे हैं जो हैशटैग, इसके पूरे स्टार्टिंग से कॉपी करना, पूरा लास्ट में लेकर, देखिए लास्ट में लेकर ये कोड पूरा लास्ट में लेकर, यहाँ पर जो अर्निंग है ना, अर्निंग के पूरा लास्ट में, यहाँ पर जो है ना डबल पूरा उसके लास्ट में लेना। उसके बाद में कोड को कॉपी करना, कॉपी करने के बाद में ध्यान से आकर एक के बाद जहाँ पर स्पेस बना वहीं पर ही पेस्ट करना है। देखिए ऐसे पेस्ट कर दिया, अलाउ कर देना, अगर पेस्ट कर लेना। अब पेस्ट करने से एंटर वगैरह कुछ भी क्लिक मत करना, अगर एंटर वगैरह क्लिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा आगे। तो पेस्ट करने के बाद में आपको फास्ट आपका आपका यहाँ पर पूछेगा आपका कमांड डालने का। तो आपका एक ही कमांड है हमारा, सिर्फ नेम की जगह हम पूरी एक ही कमांड है, उसमें 3 बार पेस्ट कर दिया, क्योंकि 3 बार मैं एडिट करूँगा 4, 5, 6 में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला नेम क्या है ए, और यहाँ पर ए, तो हमने 2 एडिट कर दिया। अब एडिट कर देने के बाद में इसको कॉपी करना, यहाँ पर लेके कमांड डालते हैं,
कमांड डालना और एंटर करना। तो ये अपना प्रोग्रेस लेने चलेगा, जहाँ पर क्यू यू आई टी तक वेट करना है, क्यू यू आई टी तक वेट करना है बिल्कुल ही। तब तक हम क्या करते हैं, अपना प्राइवेट की निकाल देते हैं और की को एक बार कॉपी करके रख लेंगे, क्योंकि बार बार इतना निकालने को यहाँ पर दिमाग का दिमाग गर्म होता है बार बार की निकालने में। पासवर्ड होल्ड किया मैंने और अपना की निकाल दिया, और की को मैं लेके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये की हमारा यहाँ पर रहा और बार बार हमको निकालना नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्विट का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो चार बार एंटर मारा, एक दो तीन और चार बार एंटर मारा, तो यहाँ पर अपना अब आगे हमको मांगेगा की। तो हम की ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कॉपी करके रखते हैं और यहाँ पर की को पेस्ट करने जाएंगे। एंटर प्राइवेट की, बस की को पेस्ट किया मैंने, पेस्ट करने एक बार एंटर मारा तो क्या देखिए EVN 5 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर एंटर टोकन नेम यहाँ पर आ रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, अटक जा रहा है कि इसका कहाँ पर अटक जाए। तो टोकन नेम आपको यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर टोकन नेम मांग रहा है सिर्फ EVN फाइल क्रिएटेड होने के बाद। तो यहाँ पर आपको टोकन नेम देना है, मैं दे दिया DD, फिर से एंटर। यहाँ पर एंटर का टोकन सिंबल नेम बोला है तो मैंने डी दे दिया, तो एंटर। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लाइन कॉन्टैक्ट और काम हमारा टास्क फोर कंप्लीट हो चुका है। तो आपका कैसे कि इसका कहाँ पर एरर आ रहा था, इस तरह का लाइन बाय लाइन करना, कुछ भी एरर नहीं आएगा मेरा। क्यों फर्स्ट मैंने अकाउंट सब कंप्लीट हो गया, इतना पॉइंट हो गया था कि लाइन बाय लाइन मैंने किया, कोई एरर भी नहीं किया। तो डन हो गया, थैंक्स, डन, सब्सक्राइब, इस तरह का लिखा आ गया, मतलब आपका खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने स्विस्टोनिक टेस्टनेट पेज पर, फोन नंबर का ओपन करते हैं, बार बार देख के करना। मेन टेप 20 आपका जितने नंबर पर हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फोन नंबर है मतलब फोन नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, एंटर द डिप्लॉयड PHP 20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकाल देना, जैसे हम निकाले थे पिछले। यहाँ पर देखते हैं PHP 20 सैंपल और डिप्लॉयड 2 लिखा आ रहा है ना, ये वाला देखिए डिप्लॉयड 2, उसी को कॉपी करना है। तो उसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके चले आना है अपने चार नंबर पर। चार नंबर कहाँ यार, अपने मेन ब्राउजर में आ गए। चार नंबर पर आकर यहाँ पेस्ट कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपको नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंटर द लिंक ऑफ GitHub रिपॉजिटरी एंड एंटर द टोकन ट्रांजेक्शन लिंक। तो सबसे पहले टोकन ट्रांजेक्शन लिंक डाल देते हैं, तो यहाँ पर टोकन ट्रांजेक्शन लिंक आ गया होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन रिसीवर HTTP सिलेक्ट हो रहा है, बस इसको सिलेक्ट करना और कॉपी करना और अपना यहाँ डाल देना है, एंटर द टोकन ट्रांजेक्शन लिंक डाल। ये तो GitHub वाले में डाल दिया गलती से, इसलिए सबमिट वाला ऑप्शन भी आया नहीं रहा। तो यहाँ पर डाल देना है टोकन ट्रांजेक्शन लिंक और यहाँ सबमिट कर देना। अब GitHub का कैसे जानना है, तो बस और एक कमांड जो है सबका सेम कमांड होगा, कॉमन वाला कमांड डाल देना, बस कॉपी करना कॉमन वाला कमांड, देन उसके बाद में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना। और यहाँ पर एरर पुश सम HTTP इस तरह का आ रहा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं, हमको बस चले आना है इस पर। आने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश मार देंगे तो हमारा फाइल आ जाएगा। तो ये तो मेरा सिर्फ ऐसे ही डेमो अकाउंट है, तो मैं कोड भी डाल देता हूँ, वैसे ही कोड अपना वहाँ पर डाल देता हूँ, अपना सबमिट कर देता हूँ यहाँ पर। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर टास्क पर हम जाएंगे। तो इसका हम लिया है मेन फिफ्थ नंबर टास्क के लिए, सबसे पहले हमको क्रिएट करना है अपना रेपोजिटरी, सीओ रेपोजिटरी में जाना है। जाने के बाद में न्यू पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करने के बाद इसका नाम हम दे देंगे BB नाम दे दिया। अब ऐड रेडमी फाइल पर क्लिक करके क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अपना एक रेपोजिटरी क्लिक हो गया, तो ये ऑल फाइल को काट देना है अपना। मैं टास्क फाइव का एक कोड दूंगा, तो उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट कर देना है एक न्यू टैब में और ये कोड ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ टास्क फाइव का जो हेडिंग क्या है, डिप्लॉय प्राइवेट NFTs का NFT। आपका जितने नंबर पर वो टास्क पे डिप्लॉय प्राइवेट NFT, लेकिन आप उसको पाँच नंबर का कोड ही रन करना, उसमें पाँच नंबर ही लेकर चलना आपका जितने नंबर पे। तो ये हेडिंग देखकर ही आप टास्क कंप्लीट करना, उल्टा उल्टा हो गया तो एरर होएगा। तो हमने ये बना दिया, उसके बाद में क्या करना है हमको, ये जो बनाया इसका कोड को कॉपी करना है। कॉपी करके अपना वर्क स्पेस पर जो BB नाम का हमने बनाया GitHub में, तो उसका कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपना वर्क स्पेस पर एंटर कर देना है, कंटिन्यू रिपेयरिंग कर देना है। तो ये अपना ओपन होने देना है, तब तक हमको क्या करना है, यहाँ पर अपना उसका कमांड एडिट कर देता हूँ। तो ये ए वाला मैंने कर दिया, और फिर उसी कमांड में नेम की जगह पर मैं सेम कमांड सबका एक कमांड नेम की जगह पर BB, यहाँ पर भी नेम की जगह पर BB। जितना सिंपल करेंगे उतना आसान होगा। तो अब हम चलते हैं, हमारे यहाँ पर टर्मिनल भी ओपन हो चुका है। तो टर्मिनल में हमको यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो न्यू फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं bb.sh लगाकर एंटर कर देना, तो यहाँ पर एक फाइल अपना bb.sh क्रिएट हो जाए। 1 लिखकर यहाँ पर आ गया है पेस्ट करने का। तो अब कॉपी कर देना है यहाँ से लेकर पूरा एंड तक, एक भी वर्ड इसमें छूटना नहीं चाहिए, बस कॉपी कर दिया। अब पेस्ट कर देना है, पेस्ट करते वक्त अलाउ करना है, और यहाँ पर इस बार अलाउ आ चुका है, पेस्ट हो गया। और यहाँ पर अपना फर्स्ट वाला कमांड डालना है, तो हमने एडिट किया है BB से, तो BB से जो हम एडिट किया है तो उसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में फर्स्ट कमांड डाल देना है एंटर, तो अपना काम होगा।
अब नेक्स्ट प्राइवेट की भी कॉपी करके रख लेते हैं, यहीं पर हमने प्राइवेट की कॉपी कर दिया, आसान हो रहा है। तो यहाँ अपना एक काम करेगा, देखिए कैसे एक एरर को सॉल्व किया जाता है, जैसे क्लोज ओपन करके कमांड को फिर से डाल के इस तरह का करके वो एरर को सॉल्व करना है, जितना आपका एरर आएगा सॉल्व करना है। क्विट आने तक को इंतजार करना है, अभी तक चार बार एंटर मारना है, क्विट आ चुका है, देखिए क्विट आ चुका था, चार बार एंटर मारना है, 1 2 3 4 बार एंटर मार दिया। तो अब ये चल रहा है अपना, यहाँ पर हमको प्राइवेट की मांगेगा, जैसे प्राइवेट की डालेंगे तो हमको NFT नेम मांगेगा या फिर टोकन नेम, जो भी हम कर रहे हैं क्या कर रहे थे हम, एंटर NFT नेम डायरेक्ट आ गया क्या, प्राइवेट एंटर प्राइवेट की VN5 गेटेड डायरेक्ट एंड हाइड कॉन्फ्रेंसर, ये प्राइवेट की तो हमको मांगा नहीं है, फिर डायरेक्ट NFT नेम मांग रहा है, तो कोई बात नहीं दे दे रहा हूँ उसको, जेट सिंपल जेट, एरर आएगा तो फिर से फास्ट टास्क चलाएंगे। देखिए एरर आ चुका है, NFT तो मिनटेड हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर कोई डिप्लॉय एरर HH8 देयर इज वंस मोर एरर इन योर कॉन्फ्रेंस, इस तरह का एरर जिसका भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फिर से अपना पहला कमांड डालना है, पहला कमांड जो हमने एडिट किया था BB से chmod +x +BB, इस तरह बस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, फिर से पहला कमांड डालता हूँ एंटर, कोई भी एरर आएगा तो टर्मिनल के अंदर पहला कमांड डालना है। ग्रुप पर कोई मैसेज कर रहा था, उसका ऐसे ही एरर आ रहा था HH8 वाला, मैंने देखा था वंस मोर एरर, तो प्राइवेट की ऑप्शन डालने का आ चुका है, तो हम प्राइवेट की डालेंगे, देखिए प्राइवेट की, ये रहा हमारा प्राइवेट की, इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करके फिर से एंटर देंगे, और NFT नेम आ चुका है, इस बार रख देते हैं हम BBB NFT नेम एंटर, देन सिंबल OnlyB रख देते हैं एंटर, और बैलिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग सब सब कुछ अब चल रहा है, देखिए अब हो जाना चाहिए, हमारे पास पॉजिट वगैरह भी तो है और हमने सही वगैरह सब डाला है 5 नंबर का, देखिए कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय टू आ चुका है। कैसे एरर को सॉल्व किया, देखिए फिर से सेम कमांड को पेस्ट करके, ऐसा नहीं कि हम फिर से न्यू फाइल क्रिएट करके आनी है, रिपोजिटरी क्रिएट करके आना है, वैसा नहीं आना, तो हो गया सक्सेस। तो अब हम चलते हैं टेस्टनेट पर, 5 नंबर हमारे 4 नंबर देखिए सब सबमिट कर चुके हैं, 5 नंबर हमको क्या मांग रहा है, सबसे पहले हमको 5 नंबर एंटर डिप्लॉय प्राइवेट NFT कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय टू लिखा रहा है, बस कंट्रोल सी देन यहाँ पर इसको पेस्ट करके सबमिट, एंटर द गिटहब रिपोजिटरी लिंक, और कुछ नहीं डायरेक्ट गिटहब रिपोजिटरी लिंक मांग रहा है, तो हमको 4th नंबर जो कमांड था हमारा, जो अब एक ही कमांड है कॉमन वाला कमांड, तो गिट ऐड करके कॉमन वाला कमांड, बस उस कॉमन वाले कमांड को कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेने के बाद में आपके टर्मिनल पर उसको रन कर देना है, लास्ट में टर्मिनल पर रन कर देना है। एरर पुश सम गिटहब फाइल इस तरह का आ रहा है, तो SRC रिफ्रेश मेन डज नॉट मैच एनी एरर, तो आपका ऐसा एरर आएगा नहीं, मेरा सेट न्यू अकाउंट बनाया गिटहब और गिटपॉट दोनों का सेटिंग में गड़बड़ है, क्योंकि मैंने गिटहब को गिटपॉट के जरिए नहीं बनाया, तो मेरा ये एरर आ रहा है, मैंने डायरेक्ट बना दिया था, तो वहाँ पर इसलिए आपका एरर नहीं आएगा। उसके बाद में सीधा आना यहाँ, रिफ्रेश करना, आपका यहाँ पर कोड वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, जैसे दिख जाता है तो आप यहाँ पर कोड को, यहाँ पर फाइल दिख जाएगा आपका सारा, तो ये कॉपी करना, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना, सबमिट पर क्लिक कर देना बस। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, 6th नंबर कैसे करना है बता रहा हूँ, 6th नंबर के लिए सबसे पहले गिटहब पर आ जाना, आ जाने के बाद योर रेसिपी ट्रीज में चले जाना, चले जाने के बाद में न्यू पर क्लिक करना, न्यू पर क्लिक करने के बाद ऐड रेडमी फाइल पर क्लिक करना, तो यहाँ पर नेम भी एक दे देना, इस बार मैं लिख रहा हूँ CC, तो इसके बाद में क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरह का बन जाएगा, और कोड को कॉपी करना, कॉपी कर लेने के बाद में अब हमको चले जाना है अपना गिटपॉट पे आ जाना है, गिटहब वर्कस्पेस गिटहब पर आ जाना है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है CC वाला, सिलेक्ट रहना है इसको और कंटिन्यू कर देना है, ये अब ओपन होता रहेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 6 नंबर का कोड जो दिया है, यहाँ पर पढ़ लो 6 नंबर का टाइटल क्या है, आप जो भी हो जाए 6 नंबर का टाइटल क्या है, डिप्लॉय प्रॉक्सी, तो डिप्लॉय प्रॉक्सी आपका जितने नंबर पर है आपको 6 नंबर का कोड ही डालना है, समझ में आ रहा होगा आपको, 6 नंबर का कोड मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब पर ओपन कर देता हूँ 6 नंबर का कोड, तो यहाँ पर हमको कोड मिल जाएगा, न्यू टैब पर ओपन कर देने से हमको कोड मिल गया, और पूरे कोड को कॉपी कर देना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, कोड को कॉपी कर देना है, टर्मिनल ओपन हो चुका है, सबसे पहले न्यू फाइल पर जाना है, यहाँ पर cc.sh डालना है, cc.sh डालने के बाद में आपका न्यू फाइल यहाँ पर खुल जाएगा, न्यू फाइल खुलने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एक के बाद आपका अलाउ कर देना है, और यहाँ पर टर्मिनल में फास्ट कमांड डालना है, तो हमको यहाँ पर मैं एडिट कर देता हूँ, नेम की जगह CC लगाता हूँ, CC देन यहाँ पर भी नेम की जगह CC लगाया था, ये हमारा फर्स्ट कमांड एंड लास्ट कमांड, एक ही कमांड का हमारा काम होता है,
यहाँ पर कमांड डाल देता हूँ, डालने के बाद एंटर। आसान है, 6 नंबर का थोड़ा सबमिटिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा सबमिट करना है, तो देखना है वीडियो ताकि आप समझ सको। तो डाल दिया हमने, क्विट तक आने का इंतजार करना है, क्विट तक। क्विट आ गया तो एंटर डाल देना है। प्राइवेट की मांग रहा है, अपना प्राइवेट की को कॉपी करना है, प्राइवेट की को कॉपी करना है एंड पेस्ट कर देना है। और कंपाइलिंग वगैरह सब कुछ करना है, स्टार्ट कर देगा। आप देखिए हमको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट विद अकाउंट, मिला है डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और एक डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट विद मिलेगा। देखिए ऑन प्रोसेस स्टोरी डिप्लॉय 2 इतना आ गया, डिप्लॉयमेंट ट्रांजेक्शन हैज भी आ चुका है। चल रहा है और हमारा रनिंग हो रहा है, वेट करना है पूरा कंप्लीट होने का इसका। थोड़ा ही देर में अब कंप्लीट हो जाए, सारा कुछ हो चुका है, हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपना क्या क्या यहाँ पर एंटर करने को मांगा गया है उस हिसाब से करना है। 6 नंबर डिप्लॉय प्रॉक्सी ओपन करना, सबसे पहले क्या मांगा गया है, एंटर डिप्लॉय प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो इसमें आपको क्या डालना है, डिप्लॉय प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पूछा है सबसे पहले। तो यहाँ पर आना है डिप्लॉय प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, प्रॉक्सी सिस्टम डिप्लॉय गया सब। डिप्लॉय प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, हाँ ये रहा डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट विद अकाउंट, ये आपका अकाउंट एड्रेस, इसको नहीं डालना है। नॉन प्रॉक्सी सिस्टम डिप्लॉय 2 जो लिखा है ना ये वाला, बस इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी में कॉपी करना है, देन आकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और सबमिट क्लिक कर देना है। तो ये हो गया। दूसरा एंटर द लिंक ऑफ गिटहब, तो गिटहब रिपोजिटरी, तो ये गिटहब का लिंक हम लास्ट में डालें। एंटर द लिंक द कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन, एंटर द लिंक टू द गिटहब रिपोजिटरी प्रॉक्सी, तो एंटर द लिंक कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट रिप्लेसमेंट ट्रांजेक्शन। तो ये कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए इसके लिए आपको चले जाना है, अपना जाने के बाद में यहाँ पर आपने जो कॉपी किया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो डिप्लॉय ट्रांजेक्शन है एक लिखा रहा हुआ HTTP से, इसको एकदम उसका लास्ट तक जहाँ तक है ये HTTP, कहाँ तक नहीं जो सी तक है, इसी यहाँ पर आ रहा है HTTP वाला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय, उसके ऊपर नीचे लिखा है, तो यहीं तक कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना और उसको एक न्यू टैब में ओपन कर देना है। देखिए न्यू टैब में ओपन कर देना, तो यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा कि इस तरह का लिखा आ जाएगा अकाउंट डिटेल्स, और इस तरह का लिखा आ जाएगा। तो ओपन कर लेने के बाद तो फिर से आपको यहाँ पर चले जाना है, आने के बाद में हैश खोजना है आपको, हैश लिखा होगा ग्रीन में, हैश क्लिक के ग्रीन में लिखा होगा या फिर कुछ। देखिए यहाँ पर नीचे आना है, देखिए हैश लिखा है ना, उसके बाद ग्रीन में लिखा है, बस ये जो ग्रीन में लिखा है कॉमा को छोड़कर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेना, आपने जो न्यू टैब में ओपन किया था, तो ओपन जो ये वाला हमने न्यू टैब में ओपन किया था, न्यू टैब में आना, बस यहाँ 0x से स्टार्ट होता ना, बस 0x से यहाँ तक कट कर जो आपने कॉपी करके लिखा है उसको पेस्ट कर देना। तो ये आपका एक न्यू पेस्ट कर देना, तो ये आपका एक न्यू फाइल बन गया रिप्लेसमेंट फाइल। तो इस फाइल एक लिंक बन गया, इस लिंक को कॉपी करना, इस लिंक को कॉपी कर लेने के बाद में आपको पेस्ट करना है जो बोला गया है हमारे यहाँ पर रिप्लेसमेंट फाइल। तो पेस्ट कर दिया, सबमिट हो गया यहाँ पर। अब हमको गिटहब का डालना है, उससे पहले आप रन कर देना अपना ये जो कॉमन वाला कमांड को रन कर देना, कमांड वाला कमांड को रन कर देना। तो रन कर देने के बाद में आपको गिटहब पर चले जाना है, रिफ्रेश मार के, रिफ्रेश करने के बाद में एक कोड को कॉपी करना है, कोड को कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको गिटहब का। तो पेस्ट कर देना, बस कंप्लीट, 4, 5, 6 कंप्लीट। इस तरह का ट्राई करो, आपका एरर नहीं आएगा 100%।